सीरियल में होना कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर फराज को जो है ना वो किसी वजह से जाना पड़ जाएगा यहाँ पर दुआ के घर, क्योंकि वो नौशेरवा के घर जाएगा जहाँ पर उसकी मुलाकात दुआ से हो जाएगी। और जब वो वहाँ पर दुआ को देखेगा तो उसको एक चीज़ और मालूम होगी कि जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना भी बिजनेस है, वो सब कुछ दुआ के नाम पर है। लिहाजा उसके दिल में फौरी तौर पर लाला जाएगा और वो सोचेगा कि मैं दोबारा से दुआ को ट्रैप करता हूँ, अपने प्यार में फंसाता हूँ और उसे शादी करके ये सब चीज़ों का मालिक मैं बन जाऊँगा। उसको लगता है कि ये सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी जो होते हैं ना बहुत चालाक लोग, वो अपनी चलाकी की वजह से कुएं में खुद ही गिर जाते हैं। लिहाजा यहाँ पर दुआ से वो आकर बातचीत करेगा, जिसकी वजह से दुआ को जो है ना उस पर और ज़्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन वो दुआ से माजरत करेगा कि बॉस को इस चीज़ के बारे में मत बताना, ये जॉब मेरी मजबूरी है और अगर ये जॉब मैंने छोड़ दी तो मैं टोटली तौर पर तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। अपनी बहुत सारी मजबूरियां दुआ के सामने रखेगा। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि दुआ क्या इसको माफ़ कर